हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद अम्मी स्पेशल। कैसे हैं आप सब लोगों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको बची हुई रोटी के टेस्टी और हेल्दी नाश्ता इंस्टेंट बनाना बताएंगे। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन जाएगा आपके लिए। वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। इसके लिए हम पहले पोटैटो बॉयल कर लेंगे, आलू को अच्छे से बॉयल कर लेंगे और इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी कर लीजिए, आलू को बॉईल कीजिए, उसे पील कीजिए और ऐसे ही इसी तरीके से ग्रेट कर लीजिए ग्रेटर में। हमने यहाँ पर मैश नहीं किया है क्योंकि हमें ग्रेट ही करना है। यहाँ पर ग्रेट करके ऐसे करना है। और ये हमने बची हुई रोटी का हमने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, फाइन पाउडर बना लिया है बची हुई रोटी का। आप भी आपके पास जितनी भी बची हुई रोटी है उसका ऐसे ही ग्राइंडर में फ़ाइन पाउडर बना लीजिए और इसे आलू में डाल लेंगे हम। इसके साथ ही हम यहाँ पर हरी मिर्च लेंगे, हरी मिर्च कोथमीर लेंगे हम, ये भी ऐड कर लीजिए आप इसमें। इसमें हम तिल मिलाएंगे, हल्दी मिलाइए इसमें, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक ऐड करेंगे आपके टेस्ट के हिसाब से। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे गूंद लेंगे हम। इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है। ये हमने जो आलू को बॉईल किया है बस इसी की मदद से हम सारा गूंद लेंगे। सारा जितना भी है ये इंग्रेडिएंट्स हमने मिलाया है सब गूंद लेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में आप इंस्टेंट बना सकते हो ये नाश्ता। बहुत ही हेल्दी रहेगा और घर में ही बनाएंगे आप, बहुत ही टेस्टी रहेगा ये और बहुत ही इंस्टेंट बन जाएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में जो आपके पास डेली जो आप पकाने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं वही इंग्रेडिएंट्स से हम ये बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। इसका कोई लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं है, लंबा प्रोसेस भी नहीं है। बस सिर्फ दो चीज़ें चाहिए हमें और ये इंस्टेंट बन जाएगा। ये डेली हम जो रोटी घर में डालते हैं उसमें जो भी बच जाती है एक दो रोटी, आप उसी से ही बना सकते हो। आलू तो एक 5 मिनट में गल जाएंगे आपके, और ये दो चार इंग्रेडिएंट्स है, बस ये मिलाकर आप इसे अच्छे से गूंद लीजिए। इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है, बस ये जो आलू था बस उसी की मदद से हम सारा मिक्सचर हम गूंद लेंगे अच्छे से। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इंस्टेंट बनता है ये और बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए, हमने सारा मिक्सर अच्छे से गूंद लिया है, इसमें हमने पानी थोड़ा भी नहीं मिलाया है। इसे हम अच्छे से बेल लेंगे, ऐसा अच्छे से इसे ऐसा फ्लैट कर लीजिए सारा जितना भी हमने गूंदा है मिक्सचर, उसको आप ऐसे फ्लैट कर लीजिए और हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। बीच में से इसे कट कीजिए आप, फिर ये साइड से भी इसे ऐसे कट कीजिए बीच में से, लेंथ में और ब्रेथ में दोनों में से हमको हाफ हाफ कट करना है। टू इक्वल हाफ कीजिए आप इसमें। अब इसको हम बीच में से कट कर लेंगे तो हमको इसके मीडियम पीसेस मिल जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पीसेस बन जाएंगे, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ रहेगा ये इसका। ऐसे ही सारे पीसेस निकाल लेंगे हम। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे इंस्टेंट रेसिपीज़ हैं, नाश्ते के और डेजर्ट्स है, स्वीट्स है, बेकिंग के हैं रेसिपीज़ सारे हैं। आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल के वीडियोस देखिए, बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। इंस्टेंट रेसिपी है ये, इमीडिएट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी रहती है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है, बस आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है उसी में हमें बन जाएगी। और जो आपकी बच गई सो रोटी है वो भी आपको काम में आ जाएगी, उसे भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये देखिए हमने सारे पीसेस ऐसे कट कर लिए हैं। अब हमने एक पैन में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है, इसे हमें डीप फ्राई करना है। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद हम ये इसे एक एक पीस डालकर तल लेंगे। आप एक एक ही डाल के फ्राई कीजिए, क्योंकि जब हम इसमें दो या तीन डालते हैं तो ये सारे एक को एक टच होकर चिपक जाते हैं ये, तो आप एक एक ही तलिए आप इसे। अच्छे से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है आगे पीछे दोनों साइड भी। ये देखिए हमने एक फ्राई कर लिया है इसमें, ये देखिए सेम ऐसे ही कलर आना चाहिए। बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल द ऑसम सिटी हैदराबाद अमी स्पेशल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए डेली अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए। इंस्टेंट रेसिपीज़ और बहुत सारे रेसिपीज़, यूनिक रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो भी दूसरों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी ये आसान सा नाश्ता बनाने का मौका मिले और उनका भी टाइम सेव हो और उनके भी घर में अच्छे अच्छे नाश्ते बने। ये देखिए ऐसे ही कलर आना चाहिए इसका, लाइट ब्राउन। ज़्यादा देर तक मत फ्राई कीजिए आप, नहीं तो ये जल जाएंगे और टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। बहुत ही कम चीज़ों में, बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल की हैं हमने इसे बनाने के लिए, आपने देखा है वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये देखिए हमारे सारे पीसेस को हमने फ्राई कर लिया है, बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसे आप सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ आप सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी रहेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए आज का वीडियो कैसा लगा आपको। आप ये कोई भी टाइम बना सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, पिकनिक्स पे लेकर जा सकते हो। ये देखिए अंदर से भी अच्छे से पक चुका है, पिकनिक्स पे ले जाइए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, आप चाय के साथ खाइए। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये और ये खाने बाद पेट भी भर जाएगा एक दो पीसेस में ही आपका। ये ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको अच्छी कैसी कैसी लगी रेसिपी। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।